प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष पाकिस्तान से डरा हुआ है और उन्हें लगातार सपने में एटम बम दिखाई देता है। तो विपक्ष पर यह बड़ा वार, प्रधानमंत्री का मुजफ्फरपुर की रैली में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से डरा हुआ है विपक्ष और उन्हें लगातार सपने में एटम बम दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान को हम चूड़ियां पहना देंगे। ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई देता है। अब ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता जिनको रात में भी सोते सोते पाकिस्तान का परमाणु बम दिखाई दे, क्या इनको देश दे सकते हैं क्या? ऐसे लोगों को देश दे सकते हैं क्या? ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे, अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है, अबे हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है।